चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है 10th और 12th क्लास की, जो कि आपके जो आंसर सीट होती है वो पहले कैसे भरी जाती है, जो कि आपको 15 मिनट उसको भरने के लिए मिलते हैं। तो आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो को ध्यान से देखना और घर पर बैठकर इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करना। 5 मिनट आपको जरूर देनी है इस सीट को भरने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं बबल्स में, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आप 10th क्लास और 12th क्लास के तो जो है, क्योंकि कोविड के बाद जो है फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बबल्स में गलती होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो बबल्स को बहुत ध्यान से भरना है। अभी मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने अपनी जो है ओमार शीट जो है फिल कर रखी है, उसको आपको बहुत ध्यान से करना है और वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप में बिल्कुल भी मत करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो है बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। मैंने पहले ही जो है आंसर शीट जो है भर के रख रखी है आप लोगों के लिए। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर जो है लिख रखा है। देखिए, हिंदी सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी कोर है, किसी का कुछ होगा तो मैंने हिंदी कोर है जैसे मेरा, तो इसका जो कोड है वो लिखना है आपको। उसके बाद जैसे आपका मंडे में एग्जाम है तो पहले मंडे लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट और एग्जामिनेशन, तो पूरा आपको डे लिखना है और डेट लिखनी है और मीडियम आप हिंदी इंग्लिश। अगर आपका एग्जाम मंडे में कोई और होगा, अगर सपोज करो हिंदी के अलावा कोई और आपका होता है, तो वो आपको इंग्लिश की लैंग्वेज में आपको देना होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो आपका पर्सन पर कोड होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पर्सन पर कोड होगा 31/2, तो 2 क्या होता है आपका सेट होता है, ये यहाँ पे 2 पे आपको सेट पे जो है यहाँ पर आपको जो है सर्कल करना है। उसके बाद अगर आप इस जो है आंसर के सीट के अलावा और कोई आंसर सीट यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। फिर अगर इसके अलावा एक और आपको चाहिए तो फिर प्लस करके फिर एक और करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इन चीजों में आपको नो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डैश है। इसके अलावा मैं आपको अब ऊपर की साइड लेके चलता हूँ। जैसे मेरा नाम सूरज चौधरी है, तो मैंने पहले SURAJ यहाँ पर आपको एक जो है बॉक्स छोड़ना होगा, उसके बाद आपको चौधरी लिखना होगा SHAUDHARY। अगर आपके आगे सूरज चौधरी या सिंह या कुछ और लगता है तो फिर भी आपको एक बॉक्स छोड़ना होगा। आपको क्या करना है, जैसे आप ये नाम लिख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एस के नाम से पेंसिल अगर आपके पास हो तो पेंसिल से आपको एस पर गोला करना है, क्योंकि गोलों में बच्चे बहुत ज्यादा जो है गलत कर देते हैं। तो ऐसे ही देखिए, ये काफी सारे मैंने जो है सर्कल कर रखे हैं, तो इसमें बच्चों की जो है बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल भी आप मिस्टेक ना करें और बहुत ध्यान से जो है सर्कल को करो, क्योंकि सर्कल ही मेन होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा जो है आपकी जो है चेकिंग होती है। इधर हम बात करते हैं अनुक्रमांक, रोल नंबर। रोल नंबर भी आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको इस पर फिर जो है बबल्स करने हैं सारे, और बहुत ध्यान से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेंसिल से बबल करने हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सही कर सकते हो बबल से। जैसे मेरे पास भी एक गलती हुई है, जो कि सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड आपका जो है आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, सब्जेक्ट कोड जो भी है 302, और आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी आपका जो है सब्जेक्ट कोड जो है मेंशन होगा। केंद्र संख्या, सेंटर नंबर जो है वो भी आपके एडमिट कार्ड में है, तो आप सेंटर नंबर होगा तो आपको वहां पर ये लिखना है। बबल्स, देखिए मेरे पे भी एक बबल्स में यहाँ पर गलती हुई है, अगर मैं पेंसिल का यूज करता तो इसको सुधार सकता था, और अगर मैं पेन का यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको सुधार नहीं पाऊंगा, वो फिर गलत माना जाएगा। तो इसलिए पेंसिल से आप बबल्स करें और बहुत ध्यान से आपको बबल्स भरने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लिखना है, हिंदी कोर, तो आपका हिंदी कोर सब्जेक्ट है, या आपका कोई भी और सब्जेक्ट होगा तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद एडमिट कार्ड में आपका जो स्कूल नंबर होता है वो बहुत मेन होता है, तो स्कूल में स्कूल का जो नंबर है वो आपका, मेरा स्कूल का नंबर ये है, आपका स्कूल का नंबर एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, आपको वही यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जैसे मेरा रोल नंबर है 4,81,05,11, तो इसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, सिर्फ ये चीजें आपको जो है आंसर शीट में लिखनी है। यहाँ पर जो है आपके एग्जामिनर जो है वो साइन करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो बहुत ही इजी है।
और बहुत ध्यान से आपको बढ़ना है। इसी से आपकी बोर्ड की जो एग्जाम की कॉपी है वो देखी जाती है और कंप्यूटर से आपकी चेक होती है। तो इसमें कोई भी आप गलती ना करें, भले ही आप इसमें सेंटर पे जाके थोड़ा समय ज्यादा ले लें, जैसे आपकी एंट्री 10 बजे 10:15 पे आपको कॉपी मिलेगी, तो इसको आपको 15 मिनट आपको पूरे देने हैं और बहुत ध्यान से भरनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी बच्चे जो है इस चीज का फायदा उठा सके, क्योंकि 2 दिन ही एग्जाम में बचे हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपना प्यार चैनल पर यूं ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।